सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे के उपरांत जो मामले बढ़ रहे हैं उससे अब प्रदेश में भाजपा सरकार प्रायोजित कोरोना है। कांगड़ा दौरे के बाद जो हालत मरे है उसके लिए सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे। सीएम ने प्रदेश को खतरे में डाला है, ये आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। कोरोना काल में सरकार ने जो काम किया है तो क्यों न सीएम व अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मुकेश ने पूछा कि सीएम ने पहले वर्चुअल रैलियों में करोड़ों लुटाए, फिर ऑनलाइन शिलान्यास शुरू किए और अब दौरे शुरू किए, आखिर किस बात का डर है सरकार को? सरकार हर रोज यू टर्न लेती है, आखिर सरकार किस मंशा से काम कर रही है? सरकार धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों में ही काम कर रही है। हम तो नहीं है पर क्या भाजपा की पुश्तों को इलम है कोरोना से निपटने का? इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अजय महाजन, कांगड़ा के विधायक पवन काजल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुकेश ने आरोप लगाया कि असंवैधानिक तरीके से कोरोना के नाम पर लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार कहाँ है? अस्पताल बदहाल है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। इस सरकार के अब तक के कार्यकाल में 2000 आत्महत्याएं हुई हैं। आखिर क्यों? क्या सरकार और इसके मंत्रिमंडल ने इस पर कोई चर्चा की? मुकेश ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में करीब 1000 दुष्कर्म हुए हैं। गुड़िया प्रकरण और होशियार सिंह प्रकरण पर भाजपा ने सिर्फ राजनीति ही की है। नगरोटा में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर कुछ नहीं बोला। ये सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। सीएम कहते हैं कि सड़कों से बुरा विपक्ष का हाल है, तो वह हमारी चिंता छोड़ दें और सड़कों की ही चिंता कर लें। सीएम ने ये नहीं बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में बिंदल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। मंत्रियों के विभाग आखिर क्यों बदले? क्या कुछ गड़बड़ थी? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया गया? इस बारे में सीएम को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को ये जानने का पूरा हक है। मुकेश ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने राशन, बिजली और सफर महंगा कर दिया, राशन की सब्सिडी छीन ली, डीजल पेट्रोल महंगा किया, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन महंगी कर दी। खुद सरकार जमकर फिजूल खर्ची कर रही है और इसका बोझ जनता पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि एक विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को पक्का करने का क्या मतलब निकाला जाए? बाकी विभागों के आउटसोर्स कर्मी क्यों इससे वंचित रखे जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में दौरे शुरू किए और जो कोरोना का जो विस्फोट हुआ है प्रदेश में, अब ये जनता की धारणा बनती जा रही है कि ये सरकार प्रायोजित विस्फोट है। और कल ही सबसे ज्यादा केसेस जो है 157 केसेस कल आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो दौरे किए और उसके बाद जो हालात बने हैं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों से सार्वजनिक माफी मांगे कि उन्होंने पूरे प्रदेश को जो है खतरे में डाला है और खास तौर पे जो उन्होंने स्टेट टूर किया और जो उन्होंने मिनिस्टर्स की एक्सपेंशन की, उसके बाद जितने भी लोग इसमें आए हैं, पूरा सिस्टम हिमाचल प्रदेश में कोलैप्स हो गया और पूरे हिमाचल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी और अधिकारी जिस तरीके से उन्होंने ये सारा दौरा किया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी उपदेश दे रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और मास्क जरूरी है। ये अभी शिमला से जयराम ठाकुर जी का लाइव कुछ समय पहले चल रहा था
और शिमला में जाके जो उनको ये याद आई है, क्या उनको यहां पे ये याद नहीं था कांगड़ा के टूर के दौरान कि सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, हिंदुस्तान के किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया है। और ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोविड काल में ऐसी सरकार काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में जो पूरी तरह लापरवाह है, जिसका कोई कंसर्न नहीं है पब्लिक के प्रति। और इस सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश में अब कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। सरकार चाहे इनकार करती रहे, अब लोगों को विदाउट ट्रेवल हिस्ट्री जो है केसेस निकल रहे हैं, महल्ले के महल्ले जो हैं निकल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर का यह दौरा पूरी तरह अनकॉल्ड फॉर था। और इस दौरे के बाद सीएम का स्टाफ भी जो है कोरोना वायरस की लपेट में आया है। हालांकि ये दलील दी जा रही है कि जो यहां पे मुख्यमंत्री का दौरा था वो जो स्टाफ था कह रहे हैं कि वो ऊना के लिए था, तो ऊना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, प्रदेश का हर जिला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के मिनिस्टर पॉजिटिव निकले और उसके बाद जो है कैबिनेट के रिशफल के बाद जिस ढंग से मिनिस्टरों को लोग कंधे पे उठा के घूम रहे थे, जिस ढंग से मिनिस्टर घूम रहे थे, राजभवन से लेके हर तरफ जो है जश्न मनाए जा रहे थे, और इनके चेयरमैन पॉजिटिव निकले, हमीरपुर में से एक चेयरमैन पॉजिटिव निकले, सिरमौर से एक चेयरमैन पॉजिटिव निकले, और फिर इनके मंडी में इनके स्पोक्स पर्सन पॉजिटिव निकले।